महर्षि सेवा सदन द्वारा श्रीनाथ भवन के लोकार्पण समारोह में राजस्थान विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष यहां के विधायक माननीय श्री सीपी जोशी जी, यहां की लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी, भीलवाड़ा के सांसद श्री सुभाष बेड़िया जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री सत्यनारायण कावरा जी, सेवा सदन के अध्यक्ष श्री जुगल किशोर बिरला जी, उठला जी, राधामोहन सोनी जी, श्याम सुंदर बिरला जी, जय किशन भद्दवा जी, रमेश अग्रवाल जी और मंच पे विराजे महर्षि समाज के सभी प्रतिष्ठित पदाधिकारी, देश प्रदेश से आए महर्षि समाज के सभी बंधुवन, मातृशक्ति, मैं आज श्रीनाथ जी की इस स्थान पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये स्थान की आस्था इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर, और श्रीनाथ जी की कृपा हम पर बनी रहे ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस मेवाड़ की धरती जो महाराणा प्रताप की वीरता की धरती है, राणा प्रताप के साथ राणा कुंभा के शौर्य की धरती है, जहां भगवान इकलांग जी का मंदिर है, चार बुद्धिव जी का मंदिर है, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और कुंभलगढ़ हल्दी का भी जो देश की युवाओं को मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए नई प्रेरणा देती है, नया संकल्प देती है। भगवान शिव पार्वती की कृपा से महर्षि समाज हमेशा शिव भगवान की तरह समाज का कल्याण का काम। भगवान शिव ने जब समुद्र में मंथन हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला, और उस समय भगवान शिव ने विष पीकर देवी देवताओं को बचाने का काम किया। आज उसी महेश भगवान को मानने वाले संपूर्ण महेश इस समाज के लोग, संपूर्ण समाज के अभावों, कठिनाइयों, मुसीबतों को अपने ऊपर लेकर उनकी मुसीबत और कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये संस्कृति और संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। हमारे पूर्वजों ने हमेशा एक बात सिखाई कि समाज के अंदर त्याग हो, समाज के प्रति समर्पण हो, सेवा का भाव, और इसी के कारण आज पीढ़ी दर पीढ़ी महर्षि समाज सेवा तक समर्पण का काम करता है, और इसी के कारण हमारे पूर्वजों ने समाज सेवा का काम किया, उसके कारण आज समाजों के अंदर महर्षि समाज का एक स्थान है। केवल समाज सेवा का काम नहीं किया, आजादी की लड़ाई के अंदर योगदान दिया, और आजादी के बाद इस देश के कलखाना का नेतृत्व, उद्योग चले, व्यापार चले, ताकि देश प्रगति की ओर बढ़े, इस ओर भी ध्यान। निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर सभी समाजों ने अपने अपने स्तर पर इस देश के विकास में व्यापक योगदान दिया, और ये कारण है कि आजादी के पहले हम बात करें तो स्कूल निवा करते थे, अस्पताल निवा करते थे,
राहगीर राज को रोकने के लिए धर्मशालाएं भी हुआ करती थी। सभी समाजों ने अपने अपने समर्पण से, सेवा से और संपूर्ण समाज के अंदर स्कूल बनाए, धर्मशाला बनाए, हॉस्पिटल बनाए, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को प्याव कराया। और आज भी आप देश में चाहे सिख समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, एक लंगर प्रवृत्ति आज भी है कि कोई भी गुरुद्वारे में जाएगा तो उसको भोजन मिलेगा। ये संपूर्ण समाज के सामूहिक प्रयासों का ही योगदान है कि हमने, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन उसके साथ साथ समाज के सभी लोगों ने अपना धन कमाया धन समाज को समर्पण करने का काम। ये हर समाज के संस्कार में, और यही कारण है कि जब जब भी देश के अंदर कोई संकट आता है, मुसीबत आती है, चुनौती आती है, संपूर्ण समाज सामूहिकता के साथ इसका मुकाबला है। हमने कोविड 19 महामारी के समय देखा, सारा विश्व इस कोरोना संक्रमण की चपेट में, क्योंकि भारत की आबादी क्षेत्र पर अलग अलग है, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, लेकिन उसके बाद भी इस कोरोना संकट के समय समाज के लोगों ने, व्यक्तियों ने, सिविल सोसाइटियों ने, संस्थाओं ने, सबने जहां जहां भी लोगों के अभाव देखे, मुसीबत देखी, घटनाएं देखी, लोग उसके लिए तत्परता से सेवा के लिए काम आए, और उन्होंने इतनी सारी चुनौतियों को किस तरीके से सामूहिकता से मुकाबला किया कि कोई भी व्यक्ति अभाव में है, संकट में, मुसीबत में है, भूख से भोजन की आवश्यकता है, पैर में चप्पल की आवश्यकता है, पीने की पानी की आवश्यकता है, ठहरने की आवश्यकता है, जैसी भी उसकी आवश्यकता हुई, समाज ने सामूहिकता से मिलकर इस कोरोना संकट की चुनौती का मुकाबला किया। यही हमारे संस्कार और यही हमारी संस्कृति है। हमें आज इस संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे ये कहते मैं भाई सिंह सेवा संगठन के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धार्मिक स्थानों पर अपने धर्मशाला बनाई, भवन बनाए। अब उन्होंने एक विचार किया कि जहां पर इलाज के लिए लोग आते हैं, दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, जितने इलाज में खर्चा होता है उतना ठहरने की व्यवस्था में खर्च होता, तो उन्होंने विचार बनाया कि जहां जहां भी देश के अंदर बड़े हॉस्पिटल हैं, उस हॉस्पिटलों के पास में एक आरोग्य भवन बनाएंगे ताकि मरीज के अटेंडेंट या मरीज के घर वाले आए तो उनको ठहरने की सुविधा मिले। कितना अच्छा विचार है। इसके बाद उन्होंने विचार किया कि शिक्षा के केंद्र जैसे कोटा एक कोचिंग का सेंटर है, गोविंद जी यहां बैठे हैं, 1.5 लाख विद्यार्थियों का पढ़ने आता है, और 1.5 लाख विद्यार्थियों को हम अपने भवन बनाकर, केवल मायसी भवन समाज के लोगों के लिए, समाज में जितने भी लोग अभाव में वंचित हैं, जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मायसी सेवा सदन भवनों को बनाकर शिक्षा की नई प्रगति के नए आयाम खड़ा करने का काम। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें जो समाज ने गौरव दिया है, सम्मान दिया है, ये संपूर्ण समाज के कारण ही है। और जब हमारा विचार ये आने लगे कि ये जो समाज से कमाया धन मेरा नहीं समाज का है, तो समाज अपने आप आपकी प्रशंसा करता है, आपके त्याग और तपस्या को हमेशा यादगार करता है, स्मरण करता है। और इसीलिए आप देश के अंदर किसी भी हिस्से में चले जाएं, मायसी समाज के 10-20 परिवार भी होंगे, तो उसकी संस्कृति, संस्कारी सेवा और तप और तपस्या के उनके जीवन के अंदर ये अंग है। मैं इस मौके पर आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमें समाज में जब भी चुनौती आए, संकट आए, सामूहिक रूप से मुकाबला करना चाहिए, और उस मुकाबले के अंदर समाज के सहयोग में सबसे अग्रणी रहे तो मायसी समाज है। मेरी आपसे अपील है, मैं जहां भी जाऊं मुझे लगे कि चाहे भूकंप हो, चाहे तूफान हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे बीमारी का संकट हो, कोई भी संकट देश के अंदर आएगा तो संकट के अंदर मायसी समाज के लोग सबसे अग्रिम पंक्ति पर
उस समाज की सेवा करेंगे, यही हमारे संस्कार हैं। और इसलिए भगवान शिव की संतान हम माना जाते हैं कि समाज में जब भी संकट आएगा, चुनौती आएगी, अभाव देंगे, हम समाज के कल्याण के लिए आगे आएंगे। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस भवन बनाने के लिए सहयोग किया। और हम इसलिए सम्मान करते हैं कि समाज के और लोग भी प्रेरित हो, ताकि हम देश के अंदर शिक्षा के केंद्र, आरोग्य भवन बनाकर एक नई श्रृंखला खड़ा कर सकें। और देश के अंदर जहां कहीं भी लोग इलाज के लिए जाए, शिक्षा के केंद्र आए, तब उनको मायसी सेवा सदन के भवन मिले, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर सामूहिक रूप से समाज की सेवा का संकल्प लेंगे। और विशेष रूप से जब राजसमंद आता हूं तो मन में पीड़ा रहती है कि किरण महेश्वरी जी हमारे बीच में रही, उनका बहुत बड़ा योगदान समाज में रहा, समाज सेवा में रहा। एक महिला नेत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया और संपूर्ण सेवा, समाज के लिए सेवा काम किया। उनको भी इस मौके पर याद करता हूं, उनके परिवार के साथ पूरा समाज खड़ा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।